सो हेलो गाइज, वेलकम बैक विथ अनदर वीडियो। मैं हूं तेजस साबड़े और आप देख रहे हैं टेक्निकल सॉल्यूशन फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि हम अपने व्हाट्सएप से जितने भी इमेजेस डिलीट हो चुके हैं हमारे फोन से, वो आप अपने फोन में दोबारा से कैसे रिस्टोर कर सकते हो, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले। और साथ ही गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो। तो गाइज, चले बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और गूगल प्ले स्टोर पर जाते आपको सर्च कर देना है डिस्क डिगर। आपको स्क्रीन पर स्क्रीन रिकॉर्डर दिख रहा होगा, उस तरीके से आपको सब कुछ सर्च कर देना है और उस ऐप को आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर देना है। तो गाइस, जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हो तो गाइस आपको ऐप को ओपन कर देना है। गाइज, ऐप ओपन होने के बाद आपको ऊपर स्टार्ट बेसिक फोटो स्कैन का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आपको टैप कर देना है। जैसे टैप कर देते हो तो वो आपको परमिशन पूछेगा, तो आपको परमिशन अलाउ कर देनी। तो गाइज, जैसे आप परमिशन अलाउ कर देते हो तो ये फोटो स्कैनिंग करना शुरू कर देगा जो भी आपने डिलीट की हुई है। तो गाइज, जैसे आपको आपकी फोटो मिल जाती है जिसे आप अपने फोन में दोबारा से रिकवर करना चाहते हो, तो गाइज सिंपली से आपको ऊपर पॉज वाला बटन दिख जाएगा, उस पर आपको टैप कर देना है और फिर आपको जो फोटो रिकवर करनी है उस पर आपको टिक कर देनी और फिर नीचे रिकवर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सेव द फाइल्स टू अ कस्टम लोकेशन ऑन योर डिवाइस, उस ऑप्शन पर आपको टैप कर देना है। और जैसे आप टैप कर देते हो तो आपको पूछेगा कि आपको फाइल किस फोल्डर में सेव करनी है। तो गाइस, आपको जो भी फोल्डर में फाइल सेव कर देनी है उस पर आपको टैप कर देना है और फिर ओके कर देना। तो गाइस, आपका काम हो चुका है, आपका फोटो या इमेज जो भी हो वो आपके उस फोल्डर में सेव हो चुका है। तो गाइस, यही था आज का वीडियो। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दो। तो गाइस, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।